एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, आई एम कवरिंग नॉमन क्लेचर पार्ट 3। सो नॉमन क्लेचर पार्ट 3 हम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा नॉमन क्लेचर पार्ट 3 होगा क्या। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पार्ट 3 में हमने ये कवर करना है, जैसे डबल बॉन्ड है तो आप तो उसको क्या लास्ट में है या स्टार्टिंग में है, उसे हम ईन कहते हैं, एल्कीन्स मीन्स ये एल्कीन्स हो गए ना, मीन्स ये ई एन ई ईन, तो इसको हम क्या कहेंगे पेंटीन। क्यों पेंटीन क्यों कहेंगे, मीन्स लास्ट में हो या स्टार्टिंग में हो, मीन्स हमने नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेने हैं। देखो पहले तो मैंने चारों बॉन्ड्स कंप्लीट कर दी, 1 2 3 4 एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार, तो इसका नाम होगा पेंटीन। ये पेंटीन होगा, पेंटीन होगा। अच्छा अगर डबल बॉन्ड कहीं पे आ जाए, मीन्स ऐसे इधर किधर आ जाए, जैसे ही रहा मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो फिर इसको हम पेंटीन नहीं कहेंगे। मीन्स देखिए 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स इसको क्या कहेंगे हम 1 2 मीन्स अब हम नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि या तो स्टार्टिंग में हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या एंडिंग में हो, जैसे यहाँ पे एंडिंग में या स्टार्टिंग में, तो उसको पेंटीन ही कहेंगे। अब ये स्टार्टिंग या एंडिंग में नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स अब यानी हमने नंबरिंग इधर से ही क्यों शुरू करी है। अगर मैं इधर से करता हूँ तो वन डबल बॉन्ड के साथ कौन से नंबर आ रहे हैं 2 एंड 3। अगर मैं नंबरिंग पेरेंट से इनकी यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 एंड 4 आ रहे हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं मीन्स ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है यहां पे 3 एंड 4, यहां पे डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के साथ क्या 2 एंड 3, तो मीन्स इसका नाम क्या होगा पेंट स्लैश मीन्स डबल बॉन्ड। अब ये वाला देखो ये सही है ये गलत है, ऐसा क्यों मीन्स अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या नंबर आ रहा है 3 और 4, अगर मैं नंबरिंग इस तरफ से शुरू कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड के साथ 2 एंड 3 आ रहा है। जहाँ पे छोटा नंबर आ रहे होंगे वो वाले को कंसिडर करना है, मीन्स ये गलत है, ये ऊपर वाला ये गलत है, मीन्स ये सही है। अब क्या इसका नाम क्या होगा पेंट। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड के साथ नंबर कौन से है 2 एंड 3, और 2 एंड 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, पेंट 2 इन, ये होगा इसका नाम। मैं एक और समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये एक कंपाउंड मीन्स अब ये देखिए मीन्स इसका ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग में नहीं लगा ना एंडिंग में लगा, तो मीन्स हमारे को नंबरिंग देनी पड़ेगी। जब ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग या एंडिंग में ना लगा हो मीन्स कहीं पे कहीं और पे लगा हो तो हमने नंबरिंग देनी है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा ट्रिपल या डबल बॉन्ड अगर स्टार्टिंग में या एंडिंग में लगा हो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, अगर कहीं बीच में कहीं पे लगा तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। पहले अब इसको यानी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 4 बॉन्ड्स बना देता हूँ, हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली हो गए, 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली हो गए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 4 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब मैं इधर से देखता हूँ, अगर मैं नंबरिंग दूसरी तरफ से शुरू करूँ मीन्स यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गलत है। क्यों, यहाँ पे 5 6 आ रहा है, अगर इधर से करते हैं
तो 4 5 आ रहा है, मीन्स हम नंबरिंग यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 5 6 आ रहा है। अब हमारे को नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स अगर यहाँ से करते थे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा था, 5 6। अगर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ 4 5, जहाँ पे जिस भी तरीके से छोटा नंबर आए हमने नंबरिंग वैसे करनी है। इधर से छोटा नंबर आ रहा है तो हमने नंबरिंग ऐसे कर दी है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 9, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन सा नंबर है, 4 एंड 5, और 4 एंड 5 में से छोटा कौन सा है, 4, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, YNe-Yne, मीन्स नॉन 4 Yne। ये हमारा ख़त्म हो गया। अगला रूल, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं हो तो उसको कैसे नाम देना है, दैट्स इट।